आज मैंने आपको वचन का विषय पढ़ाया है, उससे संबंधित आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ जो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं आपको। मैंने यहाँ 10 शब्द दिए हैं आपको, उनके ये एक वचन है तो आपको बहुवचन बनाने हैं। जैसे केला, इसका आपको बनाना केला, मछली, सड़क, किताब, चिड़िया, माला, तितली, कापी, चूहा, बच्चा, इनको इन शब्दों के आपको बहुवचन रूप लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, सही शब्द छांट कर खाली स्थान भरो। जो मैंने खाली जगह को, जिस जगह को खाली छोड़ा है, यहाँ मैंने आपको ये ऑप्शन भी दिया है, इससे आपको इनमें इनको आप रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे खेल रहा था, कौन खेल रहा था, लड़के या लड़का। फूलों पर डैश मंडरा रहे थे, भंवरा या भंवरे। कल की डैश अंधेरी थी, रात या राते। महानगरों में डैश साफ सुथरी रहती है, सड़क या सड़के। लेखिका डैश लिख रही है, कहानी या कहानियाँ। मेरा तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के आगे एक वचन या बहुवचन लिखो। ये जो 10 शब्द है, इनमें अगर एक वचन है तो आपको बहुवचन लिखना है, और बहुवचन है तो आपको एक वचन लिखना है। पुस्तकें, बाला, सभाएं, तिथियाँ, लोटा, पंक्ति, स्त्रियाँ, नारी, बिटियाँ, जाति। मेरा चौथा प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं। आपको इसमें वचन के भेदों के नाम भी लिखने हैं। मेरा पांचवा प्रश्न है, एक वचन किसे कहते हैं, आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। धन्यवाद।